स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कलरफुल प्लेट्स पे। अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने तेजस के जो है एग्जीक्यूटिव क्लास में मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्रेवल किया और मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मुझे मतलब लगा, कैसा फ़ूड वगैरह था। स्पेशली मेरा जो चैनल है वो फूड से रिलेटेड है तो मैं फूड से रिलेटेड ही बातें करूँगी। तो मुझे क्या क्या खाने को मिला तेजस ट्रेन में वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी को पता ही है तेजस जो है लखनऊ से 6 बजे के करीब करीब छूटती है। तो जिसको नहीं पता है एटलीस्ट उसे पता चल गया होगा। तो तेजस जो है 6 बजे करीब करीब छूटती है और 12:30 बजे के करीब करीब जो है दिल्ली तक आपको पहुंचा देती है। और इसी बीच खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है पूरा वीडियो देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले मिलता है चाय। देखिए 6:30 के करीब करीब मिलता है चाय, 1 कप चाय आपको मिलेगी, साथ में गुड्डे बिस्कुट मिलेगा। तो मैंने चाय पीते पीते गुड्डे बिस्कुट खाते खाते बाहर का नज़ारा मैं देख रही थी और उस दिन थोड़ा बहुत ना कई कई जगह पे बारिश भी हो रही थी तो बारिश का भी मैं मज़ा ले रही थी। साथ ही साथ बिस्कुट चाय, और मतलब सुबह सुबह अगर चाय हो जाए तो मेरा दिन बन जाता है। आप लोगों बताइएगा किस किस को चाय पीना सुबह सुबह बहुत पसंद है, और आप भी मेरी तरह टी लवर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, क्या चला जाता है। देखिए इसके बाद जो है गंगा का जो पुल पड़ता है वो पड़ा, और कानपुर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को पहला जो है ब्रेकफास्ट मिला। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। देखिए ब्रेकफास्ट में सबसे पहले जो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग कॉर्नफ्लेक्स खाएँगे या फिर मतलब ब्रेड वगैरह आप लेना चाहेंगे, तो मैंने तो पर्सनली कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्रेड दोनों ही खाया। तो जिसको पसंद नहीं है दूध कॉर्नफ्लेक्स वो कह सकता है, मना कर सकता है कि नहीं भाई हम लोगों को दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना है। जैसे कि मेरे साथ मेरी सास गई थी तो वो दूध और कॉर्नफ्लेक्स जो है नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने ब्रेड बटर नॉर्मली ले लिया था। तो मैंने बहुत ही मज़े से, मतलब बचपन की मेरे को याद आ गई दूध कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए, तो मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया। और साथ ही साथ उसमें थोड़ा बहुत फ्रूट जूस वगैरह, एप्पल का फ्रूट जूस दिया हुआ था, और ब्रेड बटर मैंने बहुत अच्छे से जो है, यहाँ आपको स्पून दिख रहा होगा पर बटर नाइफ दिया था, मैं देख नहीं पाई। एक तो इतनी फास्ट चल रही थी ना ट्रेन, तो कुछ भी मतलब वीडियो शूट करना और प्लस खाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे मैंने सोचा मेरे सब्सक्राइबर लोगों को ये वीडियो तो देखना बनता ही है, तो बहुत लोग बाहर से भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इंडिया के बाहर से भी वीडियोस देखते हैं तो उन लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो छोटा सा देखने में। इसके बाद हम लोग को सेकंड मील मिला, जो हम लोगों ने नॉनवेज मतलब उसमें बोला था, वेज और नॉनवेज में हम लोगों ने नॉनवेज ही मांगा था। तो नॉनवेज में हम लोग को मिला है थोड़ा सा ऑमलेट मिला था, और मैंने थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइस थोड़ा बहुत रख दिया था क्योंकि मैं ऑमलेट के साथ खाऊंगी, प्लस ब्रेड कटलेट मिला था, बॉइल्ड वेजीज मिले थे, मिष्टी दोई बहुत लोग का फेवरेट होता है तो मिष्टी दोई मिला था। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मेरे साथ, मैं जैसे कि आप लोगों को बताया, मेरी सास मेरे साथ ट्रेवल कर रही थी उस दिन, तो हम लोगों ने बाहर का नज़ारा देखते देखते ये सब कुछ इन्जॉय किया। और उसके बाद हम लोग को चाय, मतलब आप जितनी बार आप चाय कॉफ़ी मांगोगे वो दे देते हैं। सो वैसे भी ब्रेकफास्ट के साथ तो चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया जाता है, लेकिन अगर आप पर्सनली मांगोगे तो दे देते। जैसे कि मैंने टी बैग 2 मांगे थे क्योंकि मैं कड़क चाय पीने के पसंद करती हूँ, तो कड़क चाय पीने के लिए मैंने 2 बार टी बैग मांग लिया था। और आप शुगर या मिल्क आपको चाहिए होगा तो वो दे देते हैं, छोटा सा जो मिल्क पाउडर वगैरह वो दे देते हैं।
इसके बाद जो है मैं इसके बाद वीडियो करते करते मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखते देखते मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा सुबह सुबह उठी थी 3-4 बजे के करीब करीब मैं उठी थी, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद जो है फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो वीडियो कंटिन्यू कर भी रही थी, और साथ ही साथ इसी बीच में एक बार पूछ लिया गया था कि आप समोसा चाय वगैरह खाएंगे कि नहीं, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी बहुत फुल हो चुका था, सुबह सुबह मुझसे इतना कुछ नहीं खाया जाता है स्पेशली। तो मेरी सास ने खाया था समोसे, चाय पिया था, तो मुझे थोड़ा सा समोसा कहा टेस्ट करके देखो कैसा लगा है, मैंने कहा बहुत अच्छा बना है। और बस हम लोग यमुना पार करके दिल्ली पहुँच ही गए थे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मतलब क्या 12:30 बजे तक पहुँचा ही दिया था, 12:25 तक हम करीब करीब पहुँच चुके थे। देखिए ये जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी कभी अगर ट्रैवल करें और एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो कमेंटर सेक्शन बना रहता है उसमें बताइएगा। और मेरा ये जो छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताया करिए, ताकि फीडबैक मिलता रहे कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बताते जाइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आप दिल्ली से हैं तो ये ज़रूर बताइएगा कि दिल्ली में खाने की कौन कौन सी जगह बहुत फेमस है, ताकि मैं वहाँ जाके फूड ट्राई कर सकूँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है और मेरा चैनल भी खाने से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई भी दिल्ली के आसपास या दिल्ली से रिलेटेड हैं तो ज़रूर बताइएगा खाना कहाँ अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।